हमारे ऑफिस में दो बाइक्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो अभी कुछ बाहर का काम आया है तो फिलहाल हम जा रहे हैं, कुछ बैनर पोस्टर वगैरह छपवाना है। तो अभी चलते हैं इस वाले बाइक से। हमारे पास मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तो अभी नहीं है, वो तो और अच्छा आता, पैशन बाइक है। हाँ हाँ सब लेते हैं। तो अब आ चुके हैं उस शॉप पे जहाँ पे बैनर का प्रिंटिंग होगा। फाइनली हम आ गए हैं बैनर छपवा के वापस ऑफिस, और अब बस ज़्यादा काम नहीं बाकी है। जो फार्मर्स आए हैं उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा एंड सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा, एंड उसके बाद एंड ऑफ द डे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। क्या है एड्रेस? शिवहर। मोबाइल नंबर? कोई मोबाइल नंबर याद नहीं रखते हैं? क्या चीज़ के लिए है? क्या चीज़? हाँ गोरु गोरु माने गाय गाय को गोरु बोलते हैं। गाय अच्छा ठीक। गाय पहल का भाषा गाय। चालू है नहीं स्क्रीन ऑफ हो जाता है। चलिए क्या है जी शांति देवी का? ए जा कह रही है, साइन करिए साइन। तो यही जवानी है ने आई साइनवा मोहरवा के मारी करिए। यहाँ करिए, यहाँ जहाँ कलम है वहीं करिएगा। अरे ऐसे हाथ, ऐसे हाथ करिए। अरे भाई इतना भी समझाना पड़ेगा? हाँ चलिए। उसके बाद कौन है? सुखारी पासवान जी। चलिए मारिए। अरे हो गया भाई, हो गया। शांति देवी लिखना है, लिखिए। और हमारे ऑफिस में दो फीमेल साइंटिस्ट भी हैं, तो चलिए उनसे भी आप लोगों को मिलाते हैं। ये रहे हमारे ऑफिस के दो फीमेल साइंटिस्ट, देखिए। तो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। तो ये है लीला मैम, चलिए इन्हीं से पूछते हैं इनके बारे में। मैं डॉक्टर लीला चौहान, मैं यहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट हूँ, और वैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अभी हाल में ही मार्च में मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, 7-8 महीने हुए मुझे यहाँ। अच्छा हाँ जी। तो देखिए मैम, उत्तराखंड से आके और बिहार में ड्यूटी कर रही हैं। मैं चाहूँगी रोहित को, मैं स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उत्तराखंड आए, और उत्तराखंड में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, अच्छा, उस जगह का नाम है जौनसार बावर। जौनसार बावर, अच्छा, तो जौनसार। हाँ जौनसार। अच्छा। तो कभी सर्च करना यूट्यूब में, या पहाड़ी इलाका, पूरा पहाड़ी, जो हम लोगों की पॉपुलेशन है, जो हम लोगों का पूरा ट्राइब वाला एरिया है। हाँ। वो हम लोग मतलब 150 लाख के अराउंड हम लोगों की पॉपुलेशन है। हाँ। तो जो हम लोगों का कल्चर है वो बहुत सुंदर कल्चर है, बहुत। अच्छा। मतलब मैंने सारा देख लिया, मैंने इंडिया भी घूमा है, मैं फॉरेन भी घूमा, लेकिन जो कल्चर, जो मेहमान नवाजी हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ आज भी ऐसा है कि अगर कोई घर में मेहमान आया है तो शाम को मतलब उसको पैर धुलाया जाता है। अच्छा। हाँ, तो उस टाइप का कल्चर हम लोगों को, हम लोग हमारे उसमें है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम जरूर हमारे यहाँ आए, मेरे गांव आए, मेरे जौनसार बावर में आए, उत्तराखंड आए, तुम लोगों का स्वागत है। बिल्कुल। तो अभी तो इस साल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर छुट्टी मिलेगा तो जरूर एक बाइक राइड उत्तराखंड का भी होगा, मस्त घूमेंगे। चलिए अब एक और मैम है,
इनसे भी बातें करते हैं। तो ये है वंदना मैम और ये भी यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, तो चलिए इनसे भी बातें करते हैं। हेलो मैम। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर वंदना कुमारी और मैं क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन विभाग में साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो और मैं बिहार से ही बिलोंग करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये जो मेरी जन्मभूमि रही है वही मेरी कर्मभूमि भी है। तो जो कहते हैं एक ऋण था, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ और मैं वहाँ पे अपने काम के माध्यम से मैं यहाँ के जो किसान हैं उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है और इस बात का मुझे बहुत गर्व भी है कि मैं जहाँ पे मैं मेरी परवरिश हुई, मैं जहाँ पली बढ़ी, वहीं मुझे उसी धरती के लिए मुझे काम करने का मौका भी मिल रहा है। तो देखिए, मेरा भी इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का यही रीज़न था कि ये बिहार में था। वैसे मेरा भी दो चार जगह और जॉब हुआ था, दिल्ली में, चेन्नई में, पुणे में, जो भी दिल्ली हाई कोर्ट का था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का था या फिर स्टेशन मास्टर वगैरह का, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए क्योंकि हम बिहार से हैं, बिहार में ही रहना चाहते थे, तो इसीलिए हम भी यहाँ ज्वाइन किए। देखिए मैम का भी सेम थॉट है कि ये भी बिहार से हैं एंड फिर भी बिहार में ही ये ड्यूटी करना प्रेफर कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम के बारे में एक और बात है, जैसे कि हमारा चैनल का नाम है कोटा रिटर्न, तो हम तो पढ़ाई किए हैं कोटा से, मैम भी कोटा से ही पढ़ाई की है। मैम पहले दिन ही आई थी, उसी दिन इन्होंने बताया कि हाँ कोटा से पढ़ाई की। हम बोले मैम हम भी कोटा से पढ़ाई की। तो देखिए एक और बात है कि जैसे कोटा जाते हैं तो सारे स्टूडेंट्स आईआईटी मेडिकल के पीछे पागल हो जाते हैं, बट अगर नहीं भी होता है यार तो टेंशन नहीं लेना। देखो दो जीते जाते एग्जाम्पल हैं, हम लोग अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम देखिए मतलब मेडिकल भी इनका ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो पाया था, बट आज ये एक साइंटिस्ट है यहाँ पे ऑफिस में, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये अच्छी बात है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अगर कहीं फेलियर हो रहा है तो आगे चल के सक्सेस भी होगा, है ना मैम? बिल्कुल, कोई भी सब्जेक्ट जो है उसमें हमें यह नहीं सोचना है कि हमें इसी सब्जेक्ट में जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में, हमें सपोज हमें किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, अगर किसी कारणवश हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती, हमें जो भी मिल रही हैं, अब हम ये कह लें कि हमारी जितनी मेहनत थी शायद उस चीज़ के लिए वो हम उतने कैपेबल नहीं थे कि हम वहाँ सेलेक्ट हो पाएँ, तो जो भी रास्ता हमें मिलता है हमें उस रास्ते में आगे सतत आगे बढ़ते रहना है। उससे क्या होगा कि अगर हम जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे या उसमें प्रयासरत रहेंगे, हमें सफलता अंत में ज़रूर ही मिलती है। चलिए तो ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत सारे लगभग यंगस्टर्स हैं हमारे चैनल पे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे टाइम मिलेगा तो जो भी हमारे सर लोग हैं या हमें मैम लोग हैं, तो हम लोग सब मिलके टाइम टू टाइम आपको गाइड भी करते रहेंगे किस तरीके से लाइफ में करियर में आगे अच्छा करना। ओके थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अब चलते हैं हेड सर से, हेड सर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है बट फिर भी दिखा देते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। अगर वो फ्री होंगे तो उनसे बातें करेंगे, और नाम दिखा तो सकते ही हैं। ये उनका ऑफिस, लगता है सर अभी बिजी हैं। देखो भाई एक किसान भाई हैं, अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल का नाम नहीं पता था, कर लीजिए कोटा रिटर्न चैनल का नाम। और ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का ये वर्कशॉप है, यहाँ पे सारा मशीन्स वगैरह हुआ, सारा मशीन्स रखा रहता है। एंड ये सर हैं, सर अपना नाम बताइए। सर का नाम कमलेशी दास है एंड ये इस पूरे वर्कशॉप का इंचार्ज हैं। देख लीजिए अभी जा रहे हैं सारा मरम्मती का कार्य करने के, ठीक है सर करिए। देखिए ये पे यहाँ पे ये सारे मशीन्स है, ट्रैक्टर वगैरह जो भी एग्रीकल्चर में यूज होता है। आप लोग जाइए अंदर, हेलो अंदर जाइए, सर्टिफिकेट बट रहा है। एंड आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, तो आज यहाँ पे फूड भी आ चुका है एंड देखते हैं
क्या क्या है खाने में, दिखाइए भैया जरा। पूरी, अच्छा ये पूरी है, पनीर, ये पनीर ऐसे करके दिखा दीजिए, पनीर रहा। अच्छा ये पनीर का गोभी ऐसे, अच्छा ये आलू गोभी का सब्जी है एंड ये दाल है, ये बहुत बढ़िया खाना, काफी टेस्टी लग रहा है। चावल है, सलाद है, मिठाई है। तो ये सब मील रहता है जब भी फार्मर्स का ट्रेनिंग होता है। तो आज यहाँ पे आखिरी दिन है, चार दिन से ट्रेनिंग चल रहा था और आज पांचवा दिन है। तो हर रोज़ स्नैक्स और ये फूड का प्रोविज़न रहता है फार्मर्स के लिए। तो फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, सर्टिफिकेट बढ़ चुका है और अब फार्मर्स को खाना खिलाया जाएगा। ये देख लीजिए, आज का दिन होता है समाप्त और ड्यूटी भी ख़त्म, निकलेंगे अपने फ्लैट पे। एंड आज है फ्राइडे एंड कल है सैटरडे, तो कल सैटरडे को हम निकलेंगे पटना, क्योंकि पटना में हमको कुछ काम है संडे को। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।